बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 इकोनोमेट्रिक्स 2 सेवन्थ सेमेस्टर फॉर टुडे स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 13 chapter title is econometric modeling or model specification and diagnostic test. In this chapter we study that which model is correct or which model is incorrect for data or biasness. The main point is model specification error or the second or model specification bias. तो हमारे पास before starting the main headings हम कुछ discuss करते हैं कि मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर किस चीज़ का। हाँ, ये क्लासिकल जो हमने प्रीवियस पढ़ी 8 तक हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशंस पढ़ी। दिस इज़ द 9th वन कि हम करेक्ट मॉडल स्पेसिफाई किस तरह कर सकते हैं। अगर करेक्ट मॉडल नहीं होगा, देन मीन के मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर इशू आएगा। तो हमारे पास जो हम एस्टिमेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बायसनेस होगी। तो इस वजह से हम इस चैप्टर में किस चीज़ को पढ़ेंगे, हम मेन फोकस हमारा होगा कि किस हाउ डज वन गो अबाउट द फाइंडिंग करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या हम एम्पेरिकल जो एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए क्या, ये द 9th वन एजम्पशन ऑफ 9th वन, ये 9 असम्पशन है किस चीज़ का, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। तो इसमें ये बेसिक हमारे पास कि हम मॉडल में कौन कौन सी इशू आ सकती हैं या मॉडल सही है गलत है, तो उस बेस पे हम डिस्कशन करते हैं कि हाँ मॉडल क्या। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं करेक्ट मॉडल को, कि करेक्ट मॉडल कौन सा होता है। या इसके लिए हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में करेक्ट मॉडल क्या है, इनकरेक्ट मॉडल क्या है, किस वजह से हम इसको करेक्ट कह सकते हैं और क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं किस चीज़ के ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर की कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं है कि हम, तो वो इस चैप्टर में हम टोटल यही पढ़ेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं कि हम डिटेक्ट किस तरह करेंगे स्पेसिफिकेशन एरर को, कौन से टूल्स होंगे डायग्नोस उसको डिटेक्ट करना, किस चीज़ को मॉडल एरर स्पेसिफिकेशन। तो इसी तरह हाँ हम इवेल्युएट किस तरह कर सकते हैं एक डिफरेंट मॉडल में, कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ओएलएस वर्सेस एमएल लाइकलीहुड मेथड। तो अब क्या अगर इसके एजम्पशंस किस चीज़ के, ओएलएस के एजम्पशंस, नॉट क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन, ओएलएस के एजम्पशन अगर ये कोई डेटा होल्ड नहीं करता, देन मीन कि इसमें क्या हमारे पास मॉडल एरर स्पेसिफिकेशन होगा। और अगर हमने चेक नहीं किया हो तो अब डिटेक्ट करने की क्या है, हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट लाइक और ऑटो है, हेट्रो है, मल्टी है, इनको डिटेक्ट करना। आफ्टर दैट डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं
कि फिर कहेंगे कि फॉर एग्जांपल नो रिमीडियल आर डिटेक्ट होना और हम कोई और मॉडल यूज़ करें, एम ए लाइक्लीहुड मैथड देन, या क्या डिटेक्ट होना उसके लिए कोई रिमीडियल है, और रिमीडियल है तो उसका क्या फ़ायदा है। अब हम डिटेक्ट कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिटेक्ट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास मॉडल स्पेसिफिकेशन का इशू आया या स्पेसिफिकेशन एरर आई, तो क्या इसका कोई रिमीडियल है। अगर रिमीडियल है क्या उस रिमीडियल का कोई बेनिफिट है या नहीं है, कि हम सिर्फ सिर्फ इस दूसरे मॉडल को यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर वन को हम स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो क्या हम जो सेलेक्ट करेंगे ऑन द विच बेसिस, तो ये क्या ये हमारे पास इसके क्या रिमीडियल है नहीं है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं फॉर मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर। अब हम मॉडल जो सेलेक्ट करते हैं, मॉडल किस चीज़ के लिए, एम्पेरिकल एनालिसिस के लिए। एम्पेरिकल एनालिसिस के लिए जब हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो उस बेस पे हम कहते हैं कि हाँ ये एम्पेरिकल एनालिसिस, या जो एम्पेरिकल एनालिसिस जो हम करते हैं या कोई काम करते हैं एनालिसिस, देन उसमें हम बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा वसी एम्पेरिकल एनालिसिस एरिया है हमारे पास किसी भी मॉडल के लिए। देन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर OLS अप्लाई नहीं हो सकता उसमें मल्टी का भी नहीं, हमारे पास एंडोजिनाइटी का, द नेक्स्ट वो एंडोजिनाइटी का इशू है, देन हाउ वी सॉल्व दिस एंडोजिनाइटी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है, 2SLS है, ISLS है, 3SLS है, GMM है, देन अदर मैथड यूज़ होते हैं। अब 2SLS, GMM हम किस तरह एक्सेप्ट, GMM की क्या ये रिमीडियल है, सोल्यूशन है किस चीज़ के लिए, एक एंडोजेनाइटी इशू के लिए, तो आइदर ये सोल्यूशन जो रिमीडियल आपने दे दिया क्या इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। बेनिफिट हम 2SLS यूज़ करते हैं या GMM, दोनों इसको सॉल्व करते हैं एंडोजेनाइटी की को, देन विच वन इज़ गुड, इट डिपेंड ऑन डेटा या आप किस चीज़ पे, तो इन चीज़ों को हम किस के लिए कि हम देखते हैं कि रिमीडियल है तो रिमीडियल का कोई फ़ायदा है या नहीं है। अब इनमें कंपैरिजन बेस पे फिर हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है। अब आगे इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन दिस टू, इसके अपने अलग सा चैप्टर है, लेकिन मेरा मेन जो आइडिया है अबाउट द एंड मॉडल स्पेसिफिकेशन 13.1 जो अब असल डिस्कशन के मॉडल सेलेक्शन क्राइटेरिया, कि आप किस बेस पे सेलेक्ट करते हो एक मॉडल को, तो सेलेक्शन खास क्राइटेरिया होता है बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटा अवेलेबल है, एडमाइजेबल है नहीं है। हाँ डेटा एडमाइजेबल, अब डेटा एडमाइजेबल, अब पहला ये पता हो कि मेरे पास जो डेटा है ये क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा क्या है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, प्राइमरी है तो कौन सा है, बाइनरी है, नॉमिनल है, ऑर्डर है, और सेकेंडरी है ये प्राइमरी, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी किस चीज़ में है, सेकेंडरी डेटा कांस्टेंट डॉलर में है, करंट डॉलर में है, परसेंटेज में है, डिफरेंट वो स्केलिंग में हो सकती है, तो वो हमें पता हो। अब अगर बाइनरी है तो बेसिक हमें पता हो कि बाइनरी के लिए अप्रोप्रिएट लॉजिक हम दे सकते हो कि कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक मॉडल यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते, OLS यूज़ कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, या यूज़ कर सकते हैं बेसिक जो कंसेप्ट है मॉडल के, तो वो आप जो डेटा है डेटा नेचर आपको पता हो। द सेकेंड कि थ्योरी क्या हमें बताती है,
अब इन्होंने इधर लिखा हुआ है सेकेंड कंसिस्टेंसी विद थ्योरी, थ्योरी बेस पे हम ही कंसिस्टेंट विद थ्योरी। अब थ्योरी क्या कहती है, तो थ्योरी के मुताबिक भी आप इसको सपोर्ट करें। लाइक इन्होंने लिया हुआ है कि मिल्टन फ्रेडमैन ने जो आइडिया दिया परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का, होल्ड इंटरसेप्ट ये क्या कि कंजम्पशन डिपेंड किस चीज़ पे करती है, वो परमानेंट इनकम पे करती है और वो एक्सपेक्ट करती है टू बी ज़ीरो। तो ये क्या हमारे पास ये थ्योरी की आइडियाज़ हैं। थ्योरी से हम देखते हैं कि हाँ मॉडल को हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या किस तरह थ्योरी हमें क्या बता रही, तो उसी बेस पे हम मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आया थ्योरी किस चीज़ की है, सेकेंडरी डेटा की है, प्राइमरी डेटा की है, प्राइमरी डेटा किस डेटा नेचर का है, और वो नेचर और नेचर किस चीज़ डेटा का क्या नेचर है, और वो रिलेशनशिप क्या बता रही है। तो वो पहले से हमें थोड़ा आइडिया हो तो उस बेस पे भी हमें थ्योरी से भी कुछ हेल्प लेते हैं। और इसी तरह